कृषि विशाल राज ने हरलाखी में शनिवार को मत्स्य सहकारिता समिति में होने वाले चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय में जांच की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजना की समीक्षा भी की। वहीं इस दौरान डीडीसी ने बैठक में उपस्थित बीडीओ सीओ पीओ व विभाग के जेई व अन्य कर्मियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्राधिकार से मत्स्य सहकारी समिति के जांच का आदेश था, उसी को लेकर प्रखंड कार्यालय का भ्रमण किया गया है। इस क्रम में नल जल योजना समेत दो तीन अन्य योजनाओं का भी समीक्षा की गई है। संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मौके पर बीडीओ कृष्णा मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, बीसीओ सुनील कुमार मंडल, पीओ कृपा शंकर झा, बीएओ नौशाद अहमद समेत कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। बहुत गंदा है। पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध है आपके यहाँ? नहीं, जमीन बिल्कुल नहीं है। कोई दाता कोई नहीं है? दाता तो नहीं, सब अतिक्रम जमीन है, लेकिन सब बताया जाए आने का उद्देश्य मत्स्य से सहकारिता समिति के प्राधिकार के स्तर से एक जांच का आदेश आया हुआ था, उसी उद्देश्य से यहाँ पर प्रखंड का भ्रमण किया गया था। तो जांच की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और इसके अलावा अलग दो तीन योजनाओं की समीक्षा भी की गई और जो उसमें कमियां हैं उनके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए। भैया एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ले लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीस की चाय पत्ती चाहिए। क्यों, कनीस चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए? कनीस चाय दुनिया की पहली GMP सर्टिफाइड चाय पत्ती है, जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है। और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीस चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीस चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह, तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीस चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीस चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीस चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीस प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।